वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस सेशन के माध्यम से हम लोग देखेंगे बीपीएससी 133 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको 100% आपको कंप्लीट करके जाना है। इसमें से देखिए ये असाइनमेंट के क्वेश्चन आपके 21-22 वाला, इसमें आप देखिए इसमें से कौन कौन क्वेश्चन आपको आने की चांसेस है, इसलिए 100% आपको कंप्लीट करके जाना है। ठीक है, जैसे कि आपका बीपीएससी 133 तुलनात्मक सरकार और राजनीति में आपको देखना है कौन कौन से क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। जैसे कि आप सभी को ज्ञात नहीं होगा कि असाइनमेंट के क्वेश्चन से भी लगभग हर एक एग्ज़ाम में असाइनमेंट के क्वेश्चन से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, इसलिए आप सभी को मैं यही कहूँगा कि इसको 100% देख लीजिएगा। ओके, जैसे कि आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। जैसे कि आप देखिए तुलनात्मक राजनीति को परिभाषित कीजिए, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में विभिन्न उपागमों की व्याख्या कीजिए, 100% इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। 1 और 2 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर जो मैंने पढ़ा दिया गया है उसका एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है बीपीएससी 133 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर के नाम से। ठीक है, उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। तो इसको जो ना आप 100% करके चाहिए, आपको अब जरूर आएगा। ऐसा मिलकर जितने क्वेश्चन हैं सारे के सारे क्वेश्चन आप करके चाहिए। 1 और 2 तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट में जैसे कि आपको देख रहे हैं फिर शास्त्रीय कार सेकंड में आएगा, इसका भी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर आपको 100% करके जाना है, आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया है बहुत सारे क्वेश्चंस का, हाँ तो उसको देख लीजिएगा वहाँ से। और मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से आप सभी देख रहे होंगे मेरी क्लासेस अभी अपलोड नहीं हो रही है रेगुलर, लगभग 8 से 9 दिन अभी रेगुलर मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है जिसकी वजह से मेरी क्लास आ ही नहीं रही है। आज मैंने फिर कोशिश किया कि नहीं ये क्वेश्चन जो ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा और ये देना हमारे फर्ज है, तो इसलिए मैं ये आप सब के बीच बता रहा हूँ। आप जरूर कंप्लीट करके जाइएगा, मैं बोल रहा हूँ, समझ रहे हैं मेरी बात, अगर इतना बोल रहा हूँ तो कुछ ना कुछ बात है। ओके, जैसे आपका है राजनीतिक दलों और दबाव समूहों की तुलना कीजिए और इसके मतभेद बताएं, ये भी आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद आधुनिक राजनीतिक प्रणाली में दबाव समूहों की भूमिका की जांच कीजिए, ये भी आंसर मिल जाएगा आपको, मैंने पढ़ाया है पिछले सेशन के एग्जाम में। ठीक है, तो वही होता है, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर ये क्वेश्चन क्या हमारे एग्जाम के लिए लाभदायक है। हाँ देखिए सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, जैसे मान के चलिए भारत की आज़ादी 15 अगस्त 1947 को आज पढ़ेंगे या 50 साल बाद भी पढ़ेंगे वही आएगा। ठीक है, तो उसी तरह बीपीएससी 133 में वही है, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, तो उसी को पढ़ना है। नेक्स्ट हो जाएगा सरकार के संघीय स्वरूप की मूलभूत विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन कर, इसको भी शायद मैंने पढ़ाया है, देख लीजिएगा इसका जो संघीय स्वरूप। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा आपका एक अधिकार शासनों की क्या विशेषताएँ हैं, राजनीति में सेना के हस्तक्षेप के क्या कारण है, नागरिक समाज शब्द के 3 अर्थों की व्याख्या कीजिए, एक संघीय राज्य व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या है, नव उदारवाद की मुख्य अवधारणाएं क्या है। देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना आपके सिलेबस से ही लिया गया है, मैं बार बार बोल रहा हूँ यही कि सिलेबस से ही लिया जाता है, तो इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। इससे आप जरिया समझ सकते हैं कि एग्जाम में किस तरह से पूछा जाएगा। देखिए ये 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, उसमें से आपको टोटल 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 8 में से आपको 5 बनाना है, हर एक क्वेश्चन 20-20 नंबर के होंगे, तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा सारा का सारा क्वेश्चन। ओके, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिएगा, मैं बार बार यही एक से जैसे कि आप देख रहे हैं शास्त्रीकार 1 और 2 को 100% कंप्लीट कीजिएगा, 100%। इसका जो सॉल्व आंसर आपको जो है ना PDF टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप भी ज्वाइन कीजिए और इसका PDF डाउनलोड कीजिए आंसर के साथ। ओके, तो और हमारे जो है ना जो भी मैंने क्लास करवाई है सारे के सारे क्लास आप कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो बस मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं इसको एक्सप्लेन नहीं तो करता, जो मेरे मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर देता सारा का सारा क्वेश्चन, जैसे 10 क्वेश्चन है ना तो 2 से 3 क्लास में मैं सारा का सारा आंसर इसको फिर से एक्सप्लेन करता, लेकिन सॉरी गाइज मेरी तबीयत इतनी ख़राब है कि मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन यही है सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे करना पड़ रहा है। मैं ये वीडियो को बार बार रोक के कर रहा हूँ, बार बार रोक के बोल रहा हूँ, मैं पहले ठीक होता हूँ उसके बाद फिर रिकॉर्ड करता हूँ। तो सो प्लीज़ मेरी बातों को आप सभी मेरी थोड़ा सा मजबूरी को समझिए। जो भी चैनल में न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी डाउट पूछिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।